हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज का एक और कॉमिक विशेषांक, हत्यारे बाल। संजय गुप्ता पेश करते हैं हत्यारे बाल, थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज। लेखक तरुण कुमार वाई, सहयोग विवेक मोहन, चित्रांकन विनोद कुमार, रंग वसुलेख सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। तो मैं अपना मुंह दिखाने लायक नहीं हूं चेरी, लेकिन फिर भी चला आया, चला आया ये सोचकर कि शायद तुम मुझे माफ़ कर दोगी। 20 साल पहले जो गुनाह किया था उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आई एम सॉरी। मैं प्रायश्चित करूंगा, मैं अपने दोनों बच्चों की तलाश करूंगा। जिमी और एनी अब बड़े हो चुके होंगे, वो भी मुझे ज़रूर माफ़ कर देंगे। नहीं, तुमने मुझे माफ़ नहीं किया चेरी, मैं इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जीने का कोई मकसद और इच्छा बाकी नहीं रहे। मकसद भी होगा और इच्छाएं भी पैदा होंगी। ज़िंदगी को अपने हाथों ख़त्म करके मौत का काम अपने हाथ में मत ले। मौत को उसका काम खुद करने दे। तू वो कर जो मैं कहता हूँ। तूने जो खोया है तू उसे पाएगा। तेरी खुशियाँ लौटेंगी, तेरी बदनसीबी की मौत होगी, तेरे नसीब के रास्ते में खड़ी बाधाएं मिट जाएंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन चैरी मुझे माफ़ नहीं करेगी। 20 साल पहले जब जिमी और एनी बहुत छोटे थे, मैं बेकार था, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा करने में अक्षम, लेकिन चैरी ने कभी शिकायत नहीं की। उस दिन एनी ने मुझसे अपना बर्थडे गिफ्ट, एक म्यूजिकल डॉल मांगी। उसकी मासूम आंखों में अपनी इच्छा की मौत होते मैं नहीं देख सका। मैंने डॉल को चुरा लिया, चुरा कर भागा, पकड़ा गया। मुझे 15 दिन की साधारण कैद हुई, लेकिन मैं चेरी की नज़रों का सामना नहीं कर सका। कैद से छूटा तो शहर भी छोड़ दिया। फैसला किया था कि अब कुछ बनकर ही लौटूंगा। एक दिन अपनी मेहनत से मैंने वो सब कुछ हासिल किया जो मैं हासिल करना चाहता था। एक दिन लौटने लगा, लेकिन दुर्भाग्य ने मेरा सब कुछ जलाकर खाक कर दिया। फिर हिम्मत की। इस बार उस ट्रेन दुर्घटना ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। किस्मत कदम कदम पर मुझे छलती रही। मेरा बिजनेस डूब गया, मैं एक बार फिर पहले वाली स्थिति में पहुंच गया। शेयर डूब गए। तब एक दिन मुझे चेरी की मौत की खबर ने विचलित कर दिया और मैं रुक ना सका। लौट आया, जैसा गया था वैसा लौट आया। आई एम सॉरी। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भाग गया था। किस मुंह से लौटा मैं, किस मुंह से लौटा? जिन जिम्मेदारियों से मुंह फेर कर भागे तो उन्हें पूरी किए बिना लौट आए, इसलिए उसने तुम्हें क्षमा नहीं किया। तुम्हारी कुंडली में काल सर्प योग है, जो कुछ पाते हो वो खो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि वो क्षमा करे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी कुंडली से काल सर्प योग हटाऊंगा। उसके लिए तुम्हें एक दुस्साहसी कार्य करना होगा। मैं करूंगा। तुम्हें एक ऐसे इंसान के बाल लाने होंगे जिसकी मौत आज या आने वाली किसी भी अमावस्या के दिन हुई हो। अगर खोई प्रतिष्ठा वापस चाहते हो तो बाल लेकर यहीं पर आ जाओ, वरना ट्रेनें और भी आएंगी। बाल लाऊंगा। मुझे किसी कब्रिस्तान पर नजर रखनी होगी। कब्रिस्तान? ओह, ये क्या मर्डर? किसी ने इसकी हत्या कर दी है। और मुझे किसी ऐसे मुर्दे के बाल चाहिए जिनकी मौत अमावस्या को हुई हो। कब्रिस्तान से कब्र खोद कर ऐसे मुर्दे के बाल लाना एक दुष्कर काम था। कुदरत मेरी मदद कर रही है। बाल काटने के लिए मैं इसी चाकू का इस्तेमाल कर सकता हूँ। उफ, इसके शरीर से खून का फव्वारा छूट पड़ा। हत्या किए ज़्यादा समय नहीं हुआ। और ओह, ये तो अभी जिंदा, मगर बचेगा नहीं। इसकी हालत नाजुक है, आखिरी घड़ियाँ गिन रहा है। और मुझे मुर्दे के बाल चाहिए, और फिलहाल इसे मुर्दा नहीं मान सकता। इसके मरने का इंतजार करूंगा तो शायद पकड़ा जाऊंगा और मुझे इसका कातिल समझ लिया जाएगा। ओह नो, वातावरण में पुलिस के सायरन की आवाज़ कौन ने लगी है? शायद कोई गश्ती जीप इधर इसी ओर आ रही है। अगर जीप यहाँ पहुँच गई तो लाश इसकी निगाह में आ जाएगी, और तब इसके बाल हासिल करना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। लेकिन मुझे बाल तो मुर्दे के चाहिए। ये जिंदा है, नब्ज़ अभी भी चल रही है। नब्ज़ रुक क्यों नहीं रही? सायरन की आवाज़ पास आती जा रही है। उफ, इसकी मौत तो निश्चित है, मगर कब? कब? अभी अभी खच अभी। हाँ, अभी। नब्ज बंद हो गई। अब ये लाश में बदल चुका है, अब मैं इसके बाल काट सकता हूँ। मेरा काम पूरा हो गया। मर्डर? मैं बाल ले आया योगीराज। इंतजार करो। टिक टिक टिक। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय काल सर्प योग निवारण घोर कलयुगाय ह्रीम क्लीम केश प्राण। लाश को बॉडी बैग में डालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि यह है कौन। हत्यारा इंस्पेक्टर ईगल के हाथों से बचेगा नहीं। टिक टिक चामुंडाए टिक टिक टन टन। तुम्हारा तावीज़ तैयार हो गया। इसे अपनी कमर पर धारण करो। तुम्हारा काल सब योग हट गया, तुम्हारी सारी मुसीबतें दूर हो गई। अब जाओ। अब तो मैं वो सब कुछ हासिल होगा जिसे पाने के लिए तुम 20 साल पहले सबको छोड़कर चले गए थे। मगर ध्यान रखना, तावीज़ खुलने ना पाए। बैग को खोलो, बॉडी को पोस्टमार्टम टेबल पर लिटाओ। इसका नाम जिमी है। मेरा इंस्पेक्टर ईगल। मैं पीटर, मैं हेलन, मैं एलेना, मैं डेविड। हम सब ये शपथ लेते हैं कि जिमी की हत्या का राज राज ही रखेंगे।
इस राज की कीमत 5-5 करोड़ रुपए है तो राज क्यों नहीं रखेंगे? इंस्पेक्टर पोस्टमार्टम, कोई झमेला तो नहीं हुआ? झमेला तो नहीं हुआ, लेकिन एक ऐसी बात हुई जिसका रहस्य अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। कौन सी बात? कहीं हम पकड़े तो नहीं जाने वाले? नहीं, लेकिन डेविड, तुमने जिमी पर छुरे का एक ही प्रहार किया था, और जब मैं वापस घटनास्थल पर पहुंचा तो जिमी के शरीर पर छुरे के कई घाव थे, और छुरा भी पेट में धंसा होने के बजाय ज़मीन पर पड़ा मिला। इसके अलावा उसके बाल भी कटे हुए थे जो शायद उसी छुरे से काटे गए थे। बड़ी अजीब बात है, लोग तो लाश को देखकर गश खाकर गिर जाते हैं, मगर ऐसा कौन हो सकता है जिसने ये हरकत की? लाश के बाल कटे होने की बात गले नहीं उतर रही। ईगल यार, तुम जितनी जल्दी हो सके उस लाश को पोस्टमार्टम के बाद हमें सौंप दो, ताकि हम जल्दी से जल्दी उसका क्रियाक्रम कर दें। वो तो मैं करूँगा ही, क्योंकि कानूनी रूप से लाश के वारिस तुम दोनों ही हो पीटर डेविड, क्योंकि जिमी तुम्हारा चचेरा भाई था और हम हो गए उस सारी 25 करोड़ की दौलत के वारिस। यह दौलत तो हमारी अपनी ही थी डेविड, बाप की दौलत पर उसके बच्चों का ही हक होता है। हाँ, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे पापा डीनो मौर्या को बहुत पहले ही यह भरोसा हो चुका था कि तुम दोनों भाई उसकी दौलत को जुए, शराब, क्लबों और अपनी अय्याशी में ही उड़ा दोगे। अरे, यह अचानक मौसम को क्या हुआ? हवा इतनी तेज़ कैसे हो गई? हवा तेज़ हुई है खिड़की के कारण। मैं इसे बंद कर देती हूँ, लो हवा बंद हो गई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसी वजह से तुम्हारे पापा ने अपने इकलौते भतीजे जिमी के नाम एक वसीयत तैयार की और अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। फिर अपने पापा की मौत के बाद जैसे ही तुम्हें उस वसीयत का पता चला तो जिमी तुम्हें कांटे की तरह खटकने लगा। जब तुम उससे वसीयत प्राप्त करने में असफल रहे तो एक ख़तरनाक कार एक्सीडेंट में तुम दोनों ने जिमी और उसकी माँ चैरी को मारने की कोशिश की, धाक, मगर उस भीषण एक्सीडेंट में जिसको मरना था वो बच गया और तुम्हारी आंटी मर गई। डियर मॉम, एक दोस्त होने के कारण मैंने तुम्हारी मदद की और कल रात आखिर हम लोग जिमी को ख़त्म करने में सफल हो गए और वसीयत का झंझट भी ख़त्म हो गया। अब कानूनी रूप से हम ही अपने पापा की सारी जायदाद के मालिक हैं। हाँ, लेकिन 5 करोड़ मुझे देना मत भूल जाना, क्योंकि पुलिस वाले अपने बाप के भी सगे नहीं होते। तुम्हें 5 करोड़ मिल जाएंगे ईगल, लेकिन हमें किसी भी कानूनी अड़चन से निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वाई नॉट? लेकिन हमसे एक चूक हो गई, अगर वो वसीयत भी हमें मिल जाती तो हम उसे नष्ट करके अपने खिलाफ़ सभी सबूत मिटा डालते। भविष्य में वो वसीयत हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि वसीयत के मुताबिक जिमी एक भारी जायदाद का मालिक बन चुका था और उसकी मौत का सबसे भारी फायदा हमें ही होना है। इसलिए मीडिया कभी भी हमें हत्यारा सिद्ध कर सकता है। घबराओ नहीं, वो तब होगा जबकि वसीयत मिलेगी। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर है। अच्छा, मैं चलता हूँ, और मैं भी, क्लब में मेरे डांस शो का टाइम हो रहा है। तुम कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी बनने वाली हो, अब तुम्हें क्लब की ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मुझे भी जाना होगा, वरना कल सर्कस में शो ना कर सकूँगी। तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो, तुम्हें भी ये नौकरी छोड़नी होगी? हाँ, शादी के बाद। ओ माँ, मेरे अपने भाई हमारे हत्यारे हैं माँ, दौलत के लिए इन्होंने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मैं इन्हें सज़ा देना चाहता हूँ माँ, वो दौलत इन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन ये सब कैसे होगा? मेरी आत्मा उन्हें छू नहीं पा रही, मेरी आवाज़ उन तक पहुँच नहीं पा रही, मैं ज़िंदा लोगों के संसार की किसी चीज़ को स्पर्श तक नहीं कर पा रहा। हाँ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार जिंदा लोग ना तो हमें देख सकते हैं ना ही स्पर्श कर पाते हैं। मगर ये होगा मेरे बच्चे, ये होगा। गुनाह का बीज बोया जाता है, उस पर सज़ा के ही फल लगते हैं। ये होगा। इंस्पेक्टर, कब से तुम्हारी ये बकवास सुन रहा हूँ कि ये होगा? मेरी बच्ची अंदर शैतान के कब्ज़े में है, उसे छुड़ाओ। वो भागने के लिए कार की डिमांड कर रहा है, अगर हम में से किसी ने उस पर हमला किया तो वो आतंकवादी अपनी आपकी बेटी को ख़त्म कर सकता है। उसकी जान का ये रिस्क कौन लेगा? कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वैसे होता नहीं है इंस्पेक्टर। अगर आप मुझे अपना पिस्तौल दे दें तो मैं अंदर जाकर उस बच्ची को सही सलामत बाहर ला सकता हूँ। तुम कौन हो? मुझे सैम कहते हैं। मैं अपनी जान का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रिस्क 0% है। क्या मतलब? आप मुझे पिस्तौल दीजिए, फिर मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मुझे पिस्तौल चलाना नहीं आता। इसे पिस्तौल दे दो इंस्पेक्टर। उसकी बातों से झलकते आत्मविश्वास ने ना जाने क्यों मेरा विश्वास उस पर बढ़ा दिया है। कार की चाबी कहाँ है? मैं चाबी नहीं, पिस्तौल लाया हूँ। मुझ पर गोली चलाओगे? चलाओ, बच्ची की जान मेरी गोली से पहले जाएगी। तो मैं बच्ची को गोली मारनी है तो मार दो, लेकिन उसके आधे ही सेकंड बाद मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। यस, कम ऑन, अपनी गिरफ्तारी चाहते हो या मौत, फैसला कर लो। मैं बच्ची को छोड़ रहा हूँ। कम ऑन बेटे, डरो नहीं। शाबाश, मैं इसे ज़िंदा गिरफ्तार नहीं करूँगा। था था था। डॉली, मेरी बच्ची, मेरी डॉल, ये धोखा था, तो मैं उसे ज़िंदा गिरफ्तार करना चाहिए था। सांप डसने के लिए सामने खड़ा हो तो उसका फन कुचल नहीं पड़ता है, वरना वो तुम पर जहर उगलेगा। आ था था, पापा, यू किल्ड बास्टर्ड। था था था, इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना होगा। ही इज इन क्रिटिकल पोजीशन। पापा को बाहर लाओ, मुझे पापा के पास जाना है। ये कौन साहब अंदर जा रहे हैं? ये सेठ साहब के वकील हैं।
कुछ देर बाद वकील साहब बाहर आए। शेर साहब का कोई नहीं था जिस पर वो विश्वास करते। शेर साहब ने मरने से पहले अपने करोड़ों की जमीन जायदाद आपके नाम कर दी है और अपनी बच्ची की जिम्मेदारी आपको सौंपी है। यह रही वसीयत, मैं इसे अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। थैंक्स गॉड, जिमी की कब्र आखिर बनी गई। माँ, मैं जीना चाहता था, तुम्हें खुशियों से सराबोर करके। अपने जीते जी अंकल से कोई मदद नहीं ली तुमने, खुद हज़ारों तकलीफें सही, अपने आत्मसम्मान के दूध से तुमने मुझे पोषित किया। तुम्हें सुखी करने का समय आया तो हत्यारे भाइयों ने तुम्हें और मुझे मार डाला। जीते जी तो मैंने सुना था कि आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, फिर मेरे जिसमें ताकत क्यों नहीं भर पा रही? मेरी चीखें हत्यारों के कानों के पर्दे क्यों नहीं फाड़ पा रही? मेरे आंसुओं का बारूद फटकर उनकी खुशियों के चीथड़े चीथड़े क्यों नहीं उड़ा पा रहा? मुझे सहारा दो माँ, मुझे सहारा दो। तुम्हें सहारा ईश्वर देगा। मुझे सहारा योगीराज ने दिया था, इस ताबीज का सहारा। इसने मेरी सारी ज़िंदगी बदल दी, मुझे मेरी सारी खुशियाँ लौटा दी। इस बच्ची में मुझे अपना बेटा दिखाई पड़ता है। मेरा जिमी न जाने कहाँ होगा, मैं उसे लेकर ही जाऊँगा अपनी चेरी के पास, उसकी मिन्नतें करूँगा, वो मुझे माफ़ कर देगी, मुझे विश्वास है। अभी डॉली मुझसे अपनापन महसूस नहीं कर पाई, लेकिन जल्दी वो जान जाएगी कि मेरे रूप में उसे प्यार और विश्वास की वह छत मिल चुकी है जिसे उसने अपने पापा के रूप में खो दिया। मुझे घोड़े पर सवारी करना अच्छा लगता है अंकल, पापा भी मुझे यहाँ लेकर आते थे, इसलिए तो मैं भी लाया हूँ अपनी डॉली को घुड़सवारी कराने। पशुओं को आत्माओं का आभास हो जाता है और वो भिदकते हैं। मैं उस घोड़े को अपनी मौजूदगी का एहसास कराऊंगा। हा 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 हा, अरे उफ, इसे क्या हुआ? ओ गॉड, घोड़ा भिदक रहा है। अंकल, ओह मेरे पाँव। इसे रोकने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अंकल अंकल, ए रुक, मैं रोकता हूँ, घबराना नहीं बच्चे, उठो, तुम्हें काफ़ी चोटें आई हैं, मैंने ठीक समय पर फंदा डालकर घोड़े को रोक लिया। डॉली मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम्हें खरोज भी आ जाती तो मैं बर्दाश्त न कर पाता। नहीं अंकल, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आपके तो सारे कपड़े ही फट गए, कमर के पास के पैंट के तो चीथड़े उड़ गए। कमर के पास, उफ माय गॉड, तो तावीज़ कहाँ गया? तो तावीज़ टूट गया, तावीज़ खुल गया, योगी ने इसमें जो बाल रखे थे वो नहीं है, घिसटने से न जाने कहाँ कहाँ छूट गए। योगी ने कहा था कि तावीज़ खुलना नहीं चाहिए, यह खुल गया, अब क्या होगा? अब अनर्थ होगा, अब बालों को मिल जाएगी आत्मा की ताकत और वो बाल बन जाएंगे हत्यारे बाल। वो मारेगा, सिर्फ मारेगा, यदि उस मुर्दे की कोई अतिरिक्त इच्छा रही तो उसे भी वो इन बालों की मदद से पूरा करेगा। मुझे ताकत मिल गई है माँ, हत्यारों को सजा देंगे मेरे हत्यारे बाल। सजा ईश्वर देगा जिमी, तुम नहीं, ये काम ईश्वर का है। नहीं मरूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा डेविड, लेकिन बिना जाल लगाए ऐसे कर्तव्य दिखाना खतरनाक हो सकता है। कर्तव्य खतरनाक नहीं होते, इरादे खतरनाक होते हैं, जैसे तुम लोगों के इरादे मेरे लिए खतरनाक थे। इस शो के लिए मैंने खूब अभ्यास किया डेविड, फिर भी मैं फादर को साथ लाया हूँ, उन्हें फूल दो, ये तुम्हें शुभकामनाएं देंगे। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, आप सांसें थाम कर रखना। गॉड ब्लेस यू अनिना, सांसें थाम नहीं तो आया हूँ मैं, ये तुम्हारा आखिरी शो है लेना, बिना जाल के ये करता खतरनाक हो सकता है। मुझे तो लगता है कि इसका आखिरी शो है, समरसॉल्ट के इस खेल में नीचे जाल बांधना चाहिए था। दुसाहस भरा खेल है, दुसाहस भरा एक खूनी खेल, तो ये पहले ही खेल चुके हैं, अब ये खेल मैं खेलूँगा हत्यारे बालों की मदद से। जिस रस्सी के झूले पर ये करतब दिखा रही है उसकी जगह अब ये हैमर रोप लेगी। ये डेविड कैसा लग रहा है, दुसाहस भरा। ये खेल अभी कितनी देर और चलेगा? बस कुछ देर और, कट, लो खत्म होने ही वाला है। हा 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 हा, आई ओ नो डेविड हेल्प। हा 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 हा, झूले की रस्सी टूट गई और झूला नीचे करने के बजाय ऊपर उड़ा जा रहा है, ये कर्तव्य तो नामुमकिन है, ये कर्तव्य नहीं हो सकता बेवकूफ। झंडा छोड़ दो एलेना, हम तो पकड़ लेंगे। चर, बचाओ बचाओ था एलेना माय लव। कमाल का सीन था, ये डंडे पर झूलती ऊपर से ट्रक के आगे आ गई थी। मदर माय लव, सुबह ऐसे ही रोया था मैं भी उस वक्त। मौत देखकर दुख होता है, मुझे इसकी मौत देखकर भी दुख हो रहा है। मौत किसी का समूचा वजूद मिटा देती है, मौत किसी के होठों से हंसी छीन लेती है, खुशियों को मातम में बदल देती है। माँ देखा तुमने, आज एक मौत और हुई। ईर्ष्या द्वेष लालच जो बदले की भावना ठीक नहीं होती, जीते जी यहाँ भावनाएं मौत का कारण बनती हैं और मौत के बाद भी शांति नहीं। मैंने और तुमने तो ऐसी कोई भावना नहीं पाली थी, फिर हमें मौत क्यों मिली? यह हैरत अंगेज घटना थी ईगल, इसे सामान्य नहीं कहा जा सकता। उफ ना जाने बालों में क्या घुस गया है। ईगल, तुम्हारी कैप के नीचे से ये क्या? उफ आ,
माय गॉड, ये क्या खनाक, ये क्या बला है? बाल की शक्ल जैसे मोटे बाल जैसा, शायद यही था जो मेरे बालों में खुजली मचा रहा था। सारे टूटे कांच बाल से जुड़कर ये कैसी आकृति बन गई है। आह, कौन हो तुम? उफ, ये मुझे जान से मारने के चक्कर में, मैं मरना नहीं चाहता, भाग कर अपनी जान बचाता हूँ। भागने के लिए पाँव की ज़रूरत होती है, खाच आह, और सांसों की भी, दोनों ही तुम्हारे पास नहीं बचे। एक मरे हुए दिल की जिंदा भावनाएं तेजाब बन रही हैं, ये तेजाब मुझ पर हावी है माँ, जब तक इसकी एक भी बूंद बाकी है मुझे जलाती रहेगी, मेरे सब्र को गलाती रहेगी, मजबूर होता रहूँगा, मौत देख कर दुख होता है। बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट था, लेकिन अभी वह जिंदा है। इसे जल्दी ट्रामा सेंटर में पहुँचाना होगा, इसे खून चढ़ाना होगा, हरी अप, नर्स ब्लड के लिए सिरिंज लगाओ। यस सर। हत्यारा बाल सिरिंज के रास्ते ब्लड सप्लाई यूनिट में समा गया, वहाँ से वो खून के जरिए उसकी रगों में समा जाएगा। बालों में एक खास केमिकल होता है जिससे बाल काले दिखते हैं, जिसके कारण ये अपना रंग इसके पूरे शरीर को दे देगा। सर जल्दी आइए, ओ गॉड, इसका शरीर काला पड़ रहा है। मैं कहाँ हूँ? ओह, इंस्पेक्टर ईगल को क्या हुआ है? ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा, ये केस नॉर्मल नहीं है, यह अनहोनी है, कोई भूतिया चक्कर। मेरे शरीर पर इतने बाल कैसे हो गए? कोई है? नर्स, डॉक्टर, यहाँ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए सिर्फ बाल हैं, हत्यारे बाल। उड़ते ग्लव्स, ये मेरा गला क्यों पकड़ रहा है? तुमने तो निर्दोषों के गले पकड़े थे, खनाक। ये तो फ्रंट पेज का फोटो है। हेलन, तुम्हारी फ़ोटो इस मैगजीन के फ्रंट पेज पर छपी है। मेरी फ़ोटो? हाँ, एक भद्दी फ़ोटो। तुम्हें होटल में डांसर की नौकरी छोड़नी होगी, अब तो ज़िंदगी छोड़ने का समय आ गया है। हेलो, मैं पीटर बोल रहा हूँ, क्या डेविड, इंस्पेक्टर ईगल और एलेना अब इस दुनिया में नहीं है? विचित्र थरथर हैं। ओ नो, हेलेन, डेविड, ईगल और एलेना, उफ, तुम्हारी सिगरेट। मेरी सिगरेट को क्या हुआ? कहते हैं सिगरेट का एक कश 5 मिनट की ज़िंदगी कम कर देता है, मगर ये कश तुम्हारी सारी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा, क्योंकि तुमने सिगरेट का नहीं हत्यारे बाल का कश लिया है। शायद वही शैतानी ताकत यहाँ भी आ गई है हेलेन, जिससे इससे पहले मेरे भाई डेविड, इंस्पेक्टर ईगल और एलेना को ख़त्म किया है। आह, सुलगती सिगरेट मुझे दाग रही है, पीटर बचाओ। आह, ओ माय गॉड, सिगरेट गोली की तरह हेलेन के दिल के आर पार हो गई। शायद यह हमारे गुनाहों की काली छाया जो हमसे बदला ले रही है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। इस दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन छल, फरेब, विश्वासघात, ईर्ष्या, प्यार, स्वार्थ, दौलत, इच्छाओं और लालच के हथियारों से सब कत्ल कर दिए जाते हैं। क्या हुआ? मेरी कमीज़, ये कमीज़ हत्यारे बालों के फैब्रिक से बनी हुई है। पीटर, कमीज का गुल्ला दबा रही है। शांत हो गया पीटर, मौत का छल, फरेब, विश्वासघात, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, दौलत, इच्छा और लालच में सबसे ऊंचा है। प्रायश्चित का कद सबसे ऊंचा है सैम, तुम गॉड से कन्फेशन करना चाहते हो, प्रायश्चित सबसे बड़ी सजा है जो खून भी माफ़ कर देती है। मुझे दौलत नहीं चाहिए, लेकिन मैं डॉली को खोना नहीं चाहता। गॉड ब्लेस यू माय सन, तुम अपनी चेरी की कब्र पर जाओ, वो मुझे ज़रूर माफ़ करेगी, इस बच्ची पर तो दया आएगी उसे। अंकल, आप मुझे कहाँ ले आए? स्क्रिंच, ओ मेरा पाँव, अंकल थम। मैं जानता हूँ ये हत्यारे बाल हैं, ये मुझे छोड़ेंगे नहीं चेरी, सिर्फ एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ किया। अंकल, चेरी, 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 अंकल, ओफ। बस जिमी, रुक जाओ, तुम उसे नहीं मारोगे। क्यों नहीं मारूंगा? क्या उसने मुझे नहीं मारा था? नहीं, उसने तुम पर उस वक्त प्रहार किया था जब तुम्हें जीवन का कोई लक्षण बाकी नहीं बचा था। हत्यारे वो 5 होते जिन्हें सज़ा मिल चुकी है, ये मत भूलो कि अपने हत्यारों से बदला लेने के लिए तुम्हें शक्ति उन्हीं बालों से ही मिली है जिन्हें इसी इंसान ने काटा था। वो अपराधी नहीं है, वो सिर्फ हालात का शिकार है, उस पर एक मासूम बच्ची की जिम्मेदारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आदमी तुम्हारा बाप है। हाँ, वो अपराधी नहीं है, वरना मैं तुम्हें रोकती नहीं। फादर, ही इज़ माय फादर, एक ऐसा बाप जिसकी बेटा शक्ल भी नहीं पहचानता। मुझे माफ़ कर दो चेरी, हाँ, अपनी जिम्मेदारियों से घबरा कर एक दिन वो हमें छोड़कर भाग गया था। दूध के अभाव में तड़पती तुम्हारी बहन की मौत देखी मैंने, फिर जब वो मेरी कब्र पर लौटा तो मैंने उसे माफ़ नहीं किया। मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी, उसके गुनाहों की सजा यही है बेटे, कि वो जिंदा रहे। वो बाल हत्यारे तुम्हारी इच्छा शक्ति से बने, अगर तुम अपने जहन से बदले की इच्छा निकाल दोगे तो वो बाल नष्ट हो जाएंगे। उसे जीने दो, वरना मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैंने उसे छोड़ दिया माँ, मरने के बाद जिसमें छोड़ा है मैंने, इंसानियत नहीं। चेरी, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे कारण बचाऊँ, तुम्हारा मुजरिम होते हुए भी बचाऊँ, मुझे अपने गुनाह का प्रायश्चित करने का अवसर दो। खनाक, वसीयत,
ये तो जिमी के नाम है जिसे मेरे भाई ने लिखा है। इस वसीयत के मुताबिक सारी दौलत का मालिक जिमी है, मेरा बेटा। वसीयत मैंने ही माँ के फ्रेम के पीछे छुपा दी थी और वसीयत पर लगी ये तस्वीर जिमी की है, मेरे बेटे जिमी की। मगर ये तो वही है जो घायल पड़ा था, जिसकी आखिरी सांस मैंने अपने हाथों से ली, जिसके बाल काटे वो मेरा बेटा था। ओ गॉड, मैं माफ़ी के काबिल नहीं, माफ़ी के काबिल नहीं। इस गुनाह का एहसास ही इसकी सज़ा है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं थ्रिल और सस्पेंस सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।